राजस्थान जल अभियांत्रिकी विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे संविदा कर्मचारियों ने नियमित करने की मांग के साथ ही उनका समायोजन कर राहत देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सभी संविदा पर लगे कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर सरकार को अपना वादा याद दिलाया है। कर्मचारियों का कहना है कि वह 25 से अधिक सालों से जल अभियांत्रिकी विभाग में पंप चालक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन ना तो उनका मानदेय बढ़ाया जा रहा है और ना ही उन्हें नियमित किया जा रहा है, जिसके कारण सभी कर्मचारियों में खासा रोष व्याप्त है और इसे प्रकट करते हुए सरकार को अपना वादा याद दिलाया जाएगा। उनका कहना है कि सरकार ने बनने से पहले बताया था कि सभी को नियमित किया जाएगा, लेकिन अब तक इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रदेश में करीब 6,500 से अधिक कर्मचारी शामिल हैं जिन्हें नियुक्ति की आस है। हम आए ज्ञापन देने के लिए, नियमितीकरण और हमारा न्यूनतम वेजेस दिया जा रहा है अभी तक, और अभी तक हमारा परमानेंट का नहीं आया। और हमारी समस्या है कि हमारे मोटर वो सारे मतलब ये मेंटेनेंस वगैरह सारे ये दिलाए जाए। करीब कितने लोग हैं आप? हम हैं 6,500 आदमी हैं करीब अजमेर जिले में। नहीं, पूरे टोटल राजस्थान के। राजस्थान में? और कब से नहीं बढ़ रहा आपका? अभी हम 95 से यही हालत चल रही है हमारी। परमानेंट वेतन बढ़ा कुछ नहीं हुआ। क्या मांगी बताओ, आपकी मांगी क्या है? हमारी हमारा नियमितीकरण नियमितीकरण और वेतन बढ़ाया जाए और हमारा समायोजन का PhD में समायोजन किया जाए। मांगे नहीं मानी जाती आपकी? नहीं मांगी जाए तो सरकार के घेराव किया जाएगा। कौन सा संगठन है आपका? जनता दल राजस्थान, जनता दल कर्मचारी संघ जयपुर। आपका नाम बताओ? मेरा नाम लक्ष्मण है। क्या हुआ? हम इसमें जिला अध्यक्ष जनता दल जनता दल।